टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई एशिया कप में सबसे बड़ी मुसीबत। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, एशिया कप में अगर हम एनालिसिस करें, एशिया कप में अगर हम टीम इंडिया को देखें, तो एशिया कप से पहले टीम इंडिया ने लगातार बदलाव किए थे। टीम इंडिया लगातार अपने खिलाड़ियों को बदलाव करती रही। हर पोजिशन पर टीम इंडिया के पास कम से कम 3-4 खिलाड़ी मौजूद हैं, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब टीम इंडिया को एशिया कप में जाना था तो अपनी एक प्लेइंग 11 क्यों तैयार नहीं की। लेकिन अब टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत को लेकर बात करेंगे। टीम इंडिया की ताकत है टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ। टीम इंडिया के पास इस वक्त एक वक्त में 3-3 टीम मौजूद है। प्लान बी के तहत भी टीम इंडिया चल सकती है। टीम ए, टीम बी टीम इंडिया के पास मौजूद है और लगातार टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होती जा रही है। लेकिन टीम इंडिया की यही ताकत टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी आफत बन गई है। सिलेक्शन कमेटी ये नहीं तय कर पा रही है कि किस खिलाड़ी को खिलाया जाए, किस खिलाड़ी को बाहर रखा जाए, क्योंकि अगर हम एशिया कप के स्क्वाड पर नजर दौड़ाएं तो हमें साफ समझ में आता है दीपक हुड्डा जो टीम इंडिया के ऑलराउंडर के तौर पर मौजूद है, बल्लेबाजी में सबसे नीचे उनको भेजा जा रहा है। मैनेजमेंट ये समझ नहीं पा रहा है कि दीपक हुड्डा जैसे खिलाड़ी को ऊपर भी खिलाया जा सकता है, उनका इस्तेमाल ऊपर भी किया जा सकता है, लेकिन ऊपरी क्रम पर बल्लेबाज हमारे पास मौजूद है, इसलिए दीपक हुड्डा का इस्तेमाल टीम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाया। बात गेंदबाजी की करते हैं तो दीपक हुड्डा से गेंदबाजी भी रोहित शर्मा ने नहीं करवाई, तो यहां पर सवाल खड़े हुए। उसके बाद में दिनेश कार्तिक के तौर पर हमारे पास सबसे बेहतर फिनिशर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद दिनेश कार्तिक की टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पा रही है, तो यहां पर टीम इंडिया सबसे बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। उसके बाद अगर ओपनर के तौर पर देखें तो हमारे पास ईशान किशन जैसा खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन उसकी टीम इंडिया में जगह नहीं बन पा रही है। गेंदबाज के तौर पर हमारे पास लगातार शानदार गेंदबाजी का लाइनअप मौजूद है, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उसके बाद में लगातार शानदार तरीके के गेंदबाज हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन खिलाड़ियों की टीम इंडिया में जगह नहीं बन पा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीम इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ की सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है, वो हमारी सबसे बड़ी आफत है। सेलेक्टर्स ये फैसला ले नहीं पा रहे हैं कि किस खिलाड़ी को मौका दिया जाए, किस खिलाड़ी को खिलाया जाए, किस खिलाड़ी को किस सीरीज में आजमाया जाए, और यही परेशानी टीम इंडिया की सबसे बड़ी आफत बनती जा रही है। तो आपका टीम इंडिया की इस बेंच स्ट्रेंथ को लेकर क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि T20 विश्व कप से पहले हमें 11 खिलाड़ियों को चुन लेना चाहिए और उन 11 खिलाड़ियों को फोकस करते हुए उन्हें मौका देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।